Good morning my dear students. Today we are going to discuss the exercise of chapter 1. First question is why do organisms need to take food? Means organisms ko food ki kya zarurat hai? Iska answer hum likh The main function of food is to help in growth for energy. It is required for repairing damaged parts of the body. And it protect us from infectious diseases. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉफ और हमें मालूम है कि पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने फूड के लिए किसी होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं जबकि सेप्रोट्रॉफ्स अपने फूड के लिए डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं पैरासाइट फीड्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेयर एज सेप्रोट्रॉफ्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स इसके अलावा द ऑर्गेनिजम्स ऑन विच पैरासाइट फीड इज कॉल्ड होस्ट वेयर एज सेपरेट्रॉफ डू नॉट फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नेक्स्ट इज हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीवस आपने सिक्स क्लास में पढ़ा है आयोडीन टेस्ट जो स्टार्च के लिए यूज़ होता है तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं द प्रजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट वेन वी रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम लीव बाय बॉयलिंग इट इन एल्कोहल and then put two drops of iodine solution, its color changed to blue black, which indicates the presence of starch. Fourth question is give a brief description of the process of synthesis of food in green plants. क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वो प्रोसेस जिससे फूड सिंथेसाइज होता है, it means फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपके बुक में लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर्म्स कार्बोहाइड्रेट एंड रिलीजेस ऑक्सीजन गैस तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं द ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल इन द लीवस द लीव्स यूज कार्बन डाईऑक्साइड एंड वाटर टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सन लाइट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड आप एक डाइग्राम बना सकते हैं जो आपके बुक में बना हुआ है सनलाइट आएगी सन से प्लांट को मिलेगी और प्लांट फूड सिंथेसाइज करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन क्वेश्चन नंबर सिक्स है फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट इज ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड और हमें पता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें हम बुलाते हैं ऑटोट्रॉप्स तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड सेकेंड इज द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज डैश और हमें पता है कि प्लांट जो अपना फूड बनाते हैं उसको वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं तो इसका आंसर है स्टार्च सी इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय अ पिगमेंट कॉल्ड डैश लीव्स में जो ग्रीन कलर के रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल और उसका फंक्शन है सोलर एनर्जी को कैप्चर करना तो इसका आंसर हो गया क्लोरोफिल फोर्थ इज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश हमें पता है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है फॉर फोटोसिंथेसिस और जो गैस रिलीज होती है वो ऑक्सीजन है तो आंसर है ड्यूरिंग फोटोसिंथसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिस ऑक्सीजन नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग आपको वन वर्ड में आंसर देना है अ पैरासिटिक प्लांट विथ येल्लो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम आपके बुक में जो पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल है वो है कसकटा जिसे आप अमरबेल भी बुलाते हैं तो इसका आंसर है कसकटा नेक्स्ट इज अ प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें पता है कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जब वो फूड सिंथेसाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस करके तब हमें बुलाते हैं ऑटोट्रॉफिक और अगर वो इंसेक्ट्स पे डिपेंडेंट होते हैं तो हम उन्हें बुलाते हैं हिट्रोट्रॉफिक और क्योंकि इंसेक्टिवोरस प्लांट फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं और इंसेक्ट पे भी डिपेंडेंट होते हैं तो इसका आंसर है इंसेक्टिवोरस प्लांट और आपके बुक में जो एग्जाम्पल है वो है पिचर प्लांट तो आप इसका आंसर इंसेक्टिवोरस प्लांट भी लिख सकते हैं और पिचर प्लांट भी लिख सकते हैं थर्ड इज़ द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस और हमें पता है कि द टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा विच हेल्प्स इन गैशियस एक्सचेंज तो इसका आंसर है स्टोमेटा क्वेश्चन नंबर एट है टिक द करेक्ट आंसर अमरबेल इज एन एग्जांपल ऑफ और अमरबेल यानी कि कसकटा आप पढ़ते हैं पैरासिटिक प्लांट के एग्जांपल में तो इसका आंसर है ऑप्शन टू दैट इज़ पैरासाइट नेक्स्ट इज द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड और इंसेक्ट और आपको पता है कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं दे ट्रैप एंड फीड और इंसेक्ट और उसका एग्जाम्पल आपके बुक में है पिक्चर प्लांट तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ करेक्ट दैट इज़ पिक्चर प्लांट क्वेश्चन नंबर नाइन है मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम वन विद दोज ऑन इन कॉलम टू फर्स्ट इज़ क्लोरोफिल और हमें पता है कि क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लीफ क्योंकि यहाँ ऑप्शन में लीफ भी है तो हम क्लोरोफिल को मैच करेंगे लीफ के साथ नेक्स्ट है नाइट्रोजन और हमें बुक में दिया हुआ है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में राइजोबियम बैक्टीरिया कैन फिक्स नाइट्रोजन क्योंकि यहाँ ऑप्शन में बैक्टीरिया दिया हुआ है तो आप नाइट्रोजन को मैच कर सकते हैं बैक्टीरिया के साथ नेक्स्ट है अमरबेल और हमें पता है कि जो अमरबेल है वो एक पैरासिटिक प्लांट है जैसे कसकटा आपने पढ़ा कसकटा का नाम है अमरबेल और वो एक पैरासिटिक प्लांट है जो अपने न्यूट्रिशन के लिए होस्ट प्लांट पे डिपेंडेंट होती है तो हम इसको मैच करेंगे पैरासाइट के साथ एनिमल्स के साथ हम हिट्रोट्रॉफ्स को मैच कर सकते हैं क्योंकि जनरली जो एनिमल्स होते हैं वो हिट्रोट्रॉफिक होते हैं और वो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं इंसेक्ट्स को हम मैच कर सकते हैं पिचर प्लांट के साथ क्योंकि पिचर प्लांट इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है और वो अपना न्यूट्रिशन इंसेक्ट से लेता है क्वेश्चन नंबर टेन है मार्क ट्रू और फॉल्स फर्स्ट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिथेसिस और हमें पता है कि फोटोसिन्थेसिस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है एज रॉ मटेरियल तो ये फॉल्स है यहाँ पे करेक्शन होगा ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सेकेंड इज प्लांट्स विथ सिंथेसाइज देयर फूड डेमसेल्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स जबकि हमें पता है कि सेप्रोट्रॉप्स वो प्लांट्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने फूड के लिए डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है और प्लांट्स क्योंकि अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं तो उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स बुलाते हैं तो ये फॉल्स है आप इसको करेक्ट कर सकते हैं प्लांट्स विथ सिंथेसाइज देयर ओन फूड दैम सेल्स आर कॉल्ड ऑटोड्रॉप्स नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन और हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज है और ये भी यही बोल रहे हैं कि इज नॉट अ प्रोटीन तो ये ट्रू है सोलर नेक्स्ट है सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और हमें पता है कि सोलर एनर्जी को प्लांट्स ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं तो यहाँ पर सोलर सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में ये बिल्कुल करेक्ट है तो इट इज़ ट्रू क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ इज चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग विच पार्ट ऑफ द प्लांट गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस और हमें पता है कि लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं वो गैशेस एक्सचेंज के लिए यूज़ होते हैं वहाँ से CO2 टू अंदर जाती है और फोटो सिंथेसिस के लिए यूज होती है तो इसका आंसर है स्टोमेटा मीन्स ऑप्शन नंबर टू इज़ करेक्ट दैट इज़ स्टोमेटा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर मेनली थ्रू देयर लीव्स क्योंकि लीव्स में स्टोमेटा हैं तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट दैट इज़ लीव्स थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट